अनिल अंबानी एक बहुत बड़ा सनतकार है हिंदुस्तान का। 12 दिन पहले, मोदी जी के 12 दिन फ्रांस के दौरे से पहले, वो एक नई कंपनी खड़ी करता है, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, एक डिफेंस कंपनी, सिर्फ 12 दिन पहले। और मोदी जी जब वापस आते हैं तो जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हवाई जहाज लाए जाएंगे और फिर उसका कोई 50 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अनिल अंबानी की कंपनी को दिया जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1,00,000 करोड़ का, क्योंकि 50 साल उसके स्पेयर पार्ट आने हैं, ये आने हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी को जो एतराजात है, और शदीद एतराजात है, वो इस बात पे है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर के एक प्रोसीजर होता है डिफेंस परचेज में, एक प्रोसीजर होता है, ना तो वो प्रोसीजर फॉलो किया गया। फिर हुआ कि उन्होंने बोला कि ये एयरक्राफ्ट हमने इसलिए खरीदने हैं क्योंकि इमरजेंसी है, पर जो शेड्यूल आया है, पहला हवाई जहाज जो आएगा वो सन 19 में आएगा, और जो दूसरा आएगा, मतलब लास्ट तक, वो 22 तक आएंगे, तो इमरजेंसी की तो कोई बात नहीं है। तो फिर 126 क्यों नहीं खरीदे, 126 भी तब आ जाने थे। और 126 जो कांग्रेस पार्टी जो नेगोशिएशन कर रही थी, यूपीए कह लीजिएगा, तो उसमें तो 18 तैयारे तो फौरन वहां से उड़ के ही आ जाने थे। तो सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा कि ये तैयारों की कीमत क्या है जी, तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये जवाब दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और ये प्राइस डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। ये पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया। और उसी वक्त जो डसॉल्ट एयरक्राफ्ट एविएशन कंपनी है, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट आती है, जो कंपनी के जमा खर्च की रिपोर्ट आती है, तो कंपनी की रिपोर्ट में ये वाजे तौर पे आ गया कि ये 1670 करोड़ के हमने बेचे और हमारा इतने बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरी तरफ रिलायंस कंपनी ने भी यही कीमत, जो डसॉल्ट ने करी, रिलायंस कंपनी ने भी वही कीमत जो है वो अपनी बैलेंस शीट में, और रिलायंस कंपनी ने ये भी बता दिया कि एक ये हमें 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मिलने जा रहा है।